नए साल के मौके पर दिल्ली से प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार का ये कदम ऑड एंड इवन आज से लागू है। इस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले नए साल का मुबारकबाद, और आज से जो ऑड इवन लागू हो रहा है आप भी पालन करेंगे? बिल्कुल, मैं पालन करूंगा, और मेरे पास ऑड नंबर की कार है, उसको लेके मैं अभी सुबह 10 किलोमीटर के करीब देखने गया था वॉलंटियर्स को कहाँ क्या अरेंजमेंट हो रहे हैं, एंड आई फाउंड इट कि बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स भी हो रखे हैं, वॉलंटियर्स भी जगह जगह मिले मुझे, और 10 किलोमीटर में मुझे तो एक भी गाड़ी नहीं मिली जो इवन नंबर की गाड़ी हो, जिसको आज होना नहीं चाहिए था सड़क पे। मैं अभी अपने पास मिलने आए हुए लोगों से बात कर रहा था, कोई 20 किलोमीटर दूर से आया, कोई 25 किलोमीटर दूर से आया, कोई नोएडा, सभी जगह से लोग बता रहे हैं कि लगभग बहुत इक्का दुक्का कोई गाड़ी मिली है। कोई व्यक्ति अभी 20-25 किलोमीटर दूर से आया था, उसने बताया जी मुझे कुल मिला के 7-8 कारें मिली, उनमें से कुछ सीएनजी भी थी, तो इट्स गुड। तो क्या सारे वॉलंटियर्स एक तरह से गांधीगिरी करेंगे? बिल्कुल, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, एनएसएस एनसीसी के वॉलंटियर्स हैं, उनको यही काम दिया गया है कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि 2000 रुपए के चालान से नहीं डरना है, पॉल्यूशन से डरना है। तो सर, जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने तैयारी की है, तो तमाम लोग जो आज घर में बैठे हुए हैं, हालांकि आज छुट्टी का दिन है जैसा कि सभी प्राइवेट सेक्टर्स में होता है, नहीं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादातर, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कितना कामयाब होगा और क्या तैयारी होगी? यही हमें भी देखना है कि 15 दिन अलग अलग तरीके पे, आज 1 जनवरी है, कल सैटरडे होगा, फिर मंडे आएगा, तो इन सब के बीच में लोग अपने शहर को अपना मान के कितना इसको रेस्पॉन्स देते हैं। मेरा एक ही अनुरोध है सबसे कि जिस तरह से हम अपने घर में कोई छोटी मोटी रिपेयर करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहां हम अपना सामान तक एडजस्ट करते हैं, कई बार हम अपने रूम्स बदल के सोते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो अगर ये दिल्ली अपना है, इस दिल्ली को भी अपना मानते हैं, तो अगर इसमें भी कुछ फिक्सिंग की जरूरत है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। तो अगर हम आखिरी सवाल आपसे पूछें, तो तमाम आपके कुलीग्स हैं, अब कई लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया, क्या उन लोग से भी अनुरोध करेंगे और तमाम फैमिली का? बिल्कुल, मैं तो सबसे अनुरोध करूंगा कि हालांकि कुछ सिस्टम हमने बनाया है जिसके तहत कुछ कार्स को एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन जो जो लोग कर सकते हैं, जिन जिन को लगता है कि दिल्ली मेरा शहर है और मुझे इसके पॉल्यूशन को कम करने में कंट्रीब्यूट करना है, उन सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। लेकिन सर, जो कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई थी, जो आपने रिहर्सल किया था सारे अधिकारियों के साथ, वो फेल्योर रहा था, तो ये डर कहीं ना कहीं सता रहा है? देखिए, खूब कमियां होंगी, अभी ये पायलट है और देश में पहली बार हो रहा है, जब आप देश में पहली बार करते हैं तो उसमें रिस्क भी होते हैं और कमियां भी होती हैं, और खूब कमियां होंगी, कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता इस तरह से, लेकिन अगर एडजस्ट करना है, अगर इस शहर की आबो हवा को ठीक, और मेरे लिए थोड़ी करना है, आपके लिए थोड़ी करना है, हम कमियां क्यों ढूंढें? हम तो ये देखें कि ये दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता कर रही है, उसमें सरकार सहयोग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा कि दिल्ली की आबो हवा जो काफी जहरीली हो गई है, इसमें आप योगदान करें और ऑड एंड इवन फार्मूला को लागू करें, क्योंकि ये तमाम नेता, अधिकारी और जो कैबिनेट मिनिस्टर है, सभी इसका पालन कर रहे हैं। कैमरा मनोज के साथ मनोहर केसरी, टोटल न्यूज़, दिल्ली।